इरफान भाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनकी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और इनकी वीडियो हर वीडियो में देखता हूँ। हर आदमी इस वक्त परेशान है मार्केट के रेट्स के हवाले से, मगर अभी खुशखबरी तो ये है कि फ्रेंच के रेट ऊपर जा रहे हैं, कॉकटेल्स के रेट ऊपर जा रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं जिनके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। देखिए 1000 रुपए में आपने खरीदना नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये एक नाजायज है। अगर 600 रुपए जाल का रेट है तो आपने खरीदना है 800 रुपए में। बिल्कुल 100-200 रुपए हमारे व्यूअर डालने के पिंच का आज मैं बता रहा हूँ कि 600 रुपए जाल रेट हो गया, वो खरीद लें 1000 रुपए। माशाल्लाह अभी अभी मैं पूछ के आप 600-650 रुपए पिंच का जाल रेट है। माशाल्लाह मतलब जाल वाले ले रहे हैं। बजरी भी 600-650 रुपए जाल रेट है। किसी आजकल के बच्चे अगर आगे बोल रहे हैं चैनल में या किसी यूट्यूब चैनल में या किसी फेसबुक पेज पे, ये मार्केट जब मैं खुद भी पैदा नहीं हुआ था मेरे ख्याल से आप भी उस वक्त नहीं हुआ होंगे, इतनी पुरानी मार्केट है। कौन से बट पे काम करना चाहिए, कौन से बट पे काम नहीं करना चाहिए और मार्केट जो है ना वो उठती कब है और गिरती कब है। भाई लपट बढ़ गया, पोस्टर लग रही थी जिससे न्यू फैंसियर जो है ना मार्केट से दूर हो गया। ये शौकीन जो है ना, शौकीन जब तक शौकीन जिंदा है ये मार्केट नहीं बढ़ सकती। अगर एक दुकानदार अगर 600 रुपए में खरीद रहा है वो 200 रुपए रख के ही बेचता है तो उस हिसाब से जो है 800 रुपए। मार्केट में जो अभी रेट के हवाले से एक तेजी आ गई है, ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदार भी माशाल्लाह अब बढ़ गया है, तो रेट चल रहा है उसके हवाले से क्या न्यू फ्रेंचाइज को करना चाहिए, बिजनेस को करना चाहिए? तो मार्केट को गिराया गया था कैसे, अफवाह फैला गया, रोमर्स कुछ रोमर्स ऐसी फैल गई थी कि जिसकी वजह से मार्केट गिर गई थी कि भाई बड़ी पड़ी है। अगर ये मार्केट बढ़ चुकी होती या अगर ये मार्केट बर्बाद हो चुकी होती तो आज ये रश नहीं होता लोगों का। अभी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 007 में इरफान अहमद। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो आज हम हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट के जो रेट चल रहे हैं उसके हवाले से क्या न्यू फ्रेंचाइज को करना चाहिए, बिजनेस को करना चाहिए, उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि हर आदमी इस वक्त परेशान है मार्केट के रेट्स के हवाले से, मगर अभी खुशखबरी तो ये है कि फ्रेंच के रेट ऊपर जा रहे हैं, कॉकटेल्स के रेट ऊपर जा रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं जिनके प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। तो हमारे जो मेहमान है मैं उनसे मिलवाता हूँ और फिर उनसे बात भी करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है और न्यू फेंसर पुराने फेंसर जो भी है उनको क्या करना चाहिए, कौन से बट पे काम करना चाहिए, कौन से बट पे काम नहीं करना चाहिए और मार्केट जो है ना वो उठती कब है और गिरती कब है। मेन चीज ये होती है कि अगर आपको पता चल रहा मार्केट गिरती कब है उठती कब है तो उसको देखते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ठोक दो भाई और आज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। भाई हसन भाई से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। हसन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इरफान भाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनकी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ और इनकी वीडियो हर वीडियो में देखता हूँ। भाई बड़ापन है इनका, मेरे से सीनियर है माशाल्लाह, और मैं इन्हीं गेस्ट की बात कर रहा था इंट्रो में कि आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे आज। एसन भाई मार्केट में जो अभी रेट्स के हवाले से एक तेजी आ गई है, ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदार भी माशाल्लाह अब बढ़ गया है, तो मार्केट अभी कैसी आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जितनी आपने तारीफें की हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। और दूसरी बात ये है कि देखें ये मार्केट कभी भी गिरी नहीं थी, ये मार्केट कभी गिरी नहीं थी। तो मार्केट को गिराया गया था कैसे, अफवाह फैला गया, रोमर्स कुछ रोमर्स ऐसी फैल गई थी कि जिसकी वजह से मार्केट गिर गई थी कि भाई लपट बढ़ गया, पोस्टर लग रही थी जिससे न्यू फैंसियर जो है ना मार्केट से दूर हो गया था, उसके दिल में एक पैनिक हो गया था कि भाई वाकई में मुझे लग रहा है कि मार्केट बढ़ गई है। ऐसा हुआ नहीं कभी, मार्केट कभी नहीं बढ़ सकती। उसकी वजह यह है कि ये किसी आजकल के बच्चे अगर आगे बोल रहे हैं चैनल में या किसी यूट्यूब चैनल में या किसी फेसबुक पेज पे, ये मार्केट जब मैं खुद भी पैदा नहीं हुआ था मेरे ख्याल से आप भी उस वक्त नहीं हुआ होंगे, इतनी पुरानी मार्केट है। तो ये शौकीन जो है ना, शौकीन जब तक शौकीन जिंदा है ये मार्केट नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ऐसा होता तो अब तक हर बंदा ये बर्स मार्केट आज देख रहे होंगे ये बड़ी पड़ी है। अगर ये मार्केट बढ़ चुकी होती या अगर ये मार्केट बर्बाद हो चुकी होती तो आज ये रश नहीं होता लोगों का। अभी माशाल्लाह फ्रेंच का रेट क्या चल रहा है? माशाल्लाह अभी अभी मैं पूछ के आप 600-650 रुपए फ्रेंच का जाल रेट है। माशाल्लाह मतलब जाल वाले ले रहे हैं। बजरी भी 600-650 रुपए जाल रेट है। सबसे ये चीज है बेसिक, अगर ये बेसिक चीज ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट माशाल्लाह स्टेबल होगी। क्योंकि बंदा जो है तकरीबन जो है ना हर जो भी बड़ा ब्रीडर उनका बजरी होती है, फिंच होती है, ताकि थोड़ा बहुत मार्केट का जो है रेट इनको मिलता है उससे दाना पानी कवर कर लेते हैं। ओपन मार्केट में क्या आइडिया? अच्छा, लोग ऐसे आते जाते रहेंगे क्योंकि हम मार्केट में खड़े हैं,
तो जाहिर सी बात है ज्यादा बहुत कंजेस्टेड होती है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो लोग आते जाते रहते हैं, तो उसका बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, हमने नहीं करना बिल्कुल भी। तो हम बात कर रहे थे, अब ये बताएं ओपन मार्केट में पिंच का रेट क्या चलेगा? पिंच का रेट देखिए, अगर एक दुकानदार अगर 600 रुपए में खरीद रहा है, वो 200 रुपए रख के ही बेचता है, तो उस हिसाब से जो है 800 रुपए। देखिए अगर इसका ये मतलब नहीं है, अगर 800 रुपए आज पिंच का रेट है, अभी तो 1000 रुपए में कोई बेचे, देखिए 1000 रुपए में आपने खरीदना नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये एक नाजायज है। अगर 600 रुपए जाल का रेट है तो आपने खरीदना है 800 रुपए में, बिल्कुल 100-200 रुपए ही है ना। हमारे व्यूअर डालने के पिंच का आज मैं बता रहा हूँ कि 600 रुपए जाल रेट हो गया, वो खरीद लें 1000 रुपए में, उनका नुकसान है। अगर हाँ 800 रुपए जाल रेट हो जाए तो फिर 1000 रुपए खरीद सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ब्रीडर हैं, वो डिमांड कर रहे हैं 1000 रुपए, और 800-900 में वो आप बार्गेन करेंगे, तो सही है। देखिए 800-900 रुपए जायज रेट है, जाल वाले जो है वो दे रहे हैं 200 रुपए में। देखिए ये जायज है, वैल्यू टू मनी है, 200 रुपए उन्होंने ऊपर दिए हैं, तो किसी शौकीन को दिए, उसने मेहनत करी है, खाना खिलाया, बिल्कुल 600 रुपए में उससे जाल वाला ले रहा है, वो अगर 800 रुपए में ले रहा है तो जायज कर रहा है, तो ये रेट बिल्कुल सही है। अगर बजरी भी कोई अगर आपको 800 रुपए 700 रुपए बड़ा पेड़ मिल रहा है तो वो जायज है, अगर उससे नीचे वो लेता है तो वो नाजायज है, क्योंकि देखिए ये ओवर प्राइस है। इसी तरह अल्बिनो क्रीमिनो डेकिनो में भी यही हुआ, उसका जो रेट था 30,000 से 35,000 था, लोगों ने जैसे कि आपने देखा 25,000 तक एक एक दाना बेचा, तो ये जिसने लिया वो भी बेवकूफ है मेरी नजर में, जो बेच रहा था वो तो होशियार था, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने लिया वो बेवकूफ है। आपने नाजायज रेट क्यों दिए? एक जब दुकानदार जब वो चीज दे रहा है 25,000 रुपए में ले रहा है, तो आपको 5,000 रुपए उसके ऊपर देने चाहिए कि भाई मेहनत है अगले की। अब ये नहीं कि 26,000 या 24,000 लगा दें आप उसके, आप अगर 30,000 उसको दे रहे हैं तो ये वैल्यू टू मनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दाना 25,000 रुपए में खरीद लें, और लोगों ने यही किया, क्रीमी ने जब 30,000 रुपए जब उसकी डिमांड थी तो 40,000 रुपए में आप क्यों ले रहे हैं? भाई आपको सोचना चाहिए कि मार्केट हमेशा इस तरीके से आपने लेना है, कभी भी नाजायज नहीं करना। वो तो भेड़ चाल चलती है ना, जब भेड़ चाल चलती है हर आदमी क्रीमिनो डेकिनो क्रीमिनो अल्बाइनो नहीं आपने तो लेना है, लेकिन हर आदमी पागल हो जाता है, अच्छे प्राइस में लेना। काफी भाइयों ने गलती करा, आज वो मेरे बोलते हैं कि भाई मैंने एक बर्ड जो है वो 40 का लिया था, तो आज वो 2,000-3,000 का बिक रहा है। बिल्कुल वो 40 का तो उस वक्त भी नहीं था, उस वक्त उसकी प्राइस थी 35, 5,000 आपने एक्स्ट्रा दिए, सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की। अच्छा, इसमें हमारे जो न्यू पेंसिल अभी हमें देख रहे हैं और वो आप चाहते हैं कि काम शुरू करें बर्ड्स का, तो उनको क्या मशवरा देंगे, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें? सबसे पहले तो देखें, अभी मुझे नजर आ रहा है मार्केट में माशाल्लाह होगा रोमो के प्राइस इस वक्त 3,000 रुपए है, माशाल्लाह इस वक्त जो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 3,000 उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है, 1,800 से 2,000 जाल रेट है, आप 2,500 रुपए में खरीद सकते हैं, आप वो खरीद के डालें, अच्छे फ्लावर में अगर आपको 2,500 में मिलते हैं तो वेलकम। अगर ओवर प्राइस कोई मांग रहा है कि भाई 2,000 में जाल वाला ले रहा है, आप 3,000 रुपए ना दें, क्योंकि आज इसका रेट ऊपर है, ये किसी वजह से शॉर्ट है मार्केट से, तो कल का रेट जब आप जब डालेंगे और भी दूसरे लोग डालेंगे तो इस तरीके से रेट नीचे आएगा, तो आप अभी भी वक्त है, आप समझेंगे इस चीज को कि जायज रेटों पे जो है परचेजिंग करें और अपने आप को जो है ये स्कैम से बचाएं। बिल्कुल स्कैम से बचाएं। आपने देखा होगा 3,000 रुपए रेट चल रहा है, नहीं चल रहा, आपने भी मार्केट टच किया, बिल्कुल चल रहा है मार्केट में, और रेट माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, और इसी वजह से मार्केट में बहुत तेजी आ गई है, रश भी भरपूर चल रहा है। तो इसके हवाले से एहसन भाई, सबसे पहले तो अपने चैनल का नाम बता दें भाई। अरे चैनल का नाम है कराची बर्ड इनको। भाई आपने इनके चैनल पे जाके विजिट करना है, माशाल्लाह मेरे सीनियर है, जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो चैनल जब इनका खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं एहसन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि ये खुद भी मार्केट में मसरूफ होते हैं। एहसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी।